पार्टी ने बहुत ही सोच विचार कर टिकट दिए हैं बड़ी सैलरी के लिए। आज की तारीख में बड़ी सैलरी में इतने किसान और मजदूर हैं, अफीम काश्तकार है, किसानों का जो शोषण हो रहा है, अफीम काश्तकारों का हो रहा है, दूसरे काश्तकार जो भी हैं और जो मजदूर लोग हैं, बड़ी सैलरी विधानसभा इतनी बड़ी और इतने मजदूर हैं, इतने लोग होते हुए एक भी कारखाना लोकल लोगों के लिए कोई मजदूरी की व्यवस्था नहीं है, किसानों के लिए न पानी की व्यवस्था है और अफीम काश्तकारों के साथ में जिस प्रकार से अन्याय हो रहा है, इन अफीम काश्तकारों का कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। तो मैं ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी ने इतने काम किए तो निश्चित रूप से कांग्रेस को जनता समर्थन देगी, विजयी बनाएगी और कांग्रेस किसानों के लिए पूरी जी जान लगा देगा, इतनी मेहनत करेंगे किसानों को ये लगेगा कि वास्तव में कोई हमारा प्रतिनिधि आया है और प्रतिनिधित्व तो करना हमारे हक की आवाज़ उठा। लेकिन सर चुनाव के बताए तो इसको लेकर किस तरह देखिए सर, टिकट वितरण में देरी नहीं है, सोच समझ के दिया है। दूसरी बात यह है कि वैसे भी जनता में पहले से मूड है, गहलोत सरकार ने इतने काम किए, इतनी योजनाएं दी, जनता तो पहले से मानस बना चुकी है। अब तो फॉरम नॉमिनेशन चालू हुआ, इसीलिए तो समय पर टिकट दिए, ऐसा कोई देरी वेरी वाला कोई मामला नहीं। कहोगे बड़ी साड़ी में देखिए 25 साल से प्रकाश जी वहाँ राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, पार्टी ने उनको मान सम्मान पद सब कुछ दिया है। तो मेरा तो ये मानना है कि प्रकाश जी पार्टी के साथ में रहेंगे, सारे लोग जितने भी दावेदार, देखिए तो रेस है जो दौड़ता है और दौड़ में सब भाग ले, पार्टिसिपेट सब करते हैं। जब एक ही व्यक्ति तो टिकट तो एक को मिलता है, बाकी निश्चित रूप से सब लोग साथ में रहेंगे और कांग्रेस पार्टी को।